चार लोग सोने जा रहे हैं, जिससे एक बहुत बड़ा वादा होगा। इसलिए मैं शेषन साहब आपको ये आदेश देता हूँ कि अपनी अपनी जगह पर ही रहिए और धैर्य आप होइए। क्या ये वही कमाल है, क्या ये वही कमाल है जिस पर राजा जनक को इतना अभिमान है? क्या ये वही कमाल है जिसको उठाते हर एक शख्स डरता है? देखिए देखिए, इस धनुष का चिल्ला किस प्रकार चलता है? करूं है यदि अहंकार आदमी को कंपायमान कर दिया, असंभव असंभव। चोर हुआ क्या तुम्हें मौत की परवाह नहीं थी? शास्त्री जिंदगी की चाह नहीं थी? बेशक खतावार हूं, आप जो सजा दे मैं सजा और अच्छा अभी बताता हूँ, इसी बात का बता अभी दिखाता हूँ। महाराज क्यों कहते नहीं उछल रहे हो और बिना बात यहां से निकल रहे हो? यह तो कुछ करी सही थी, नादा ने तब से बेकार करी थी, जिसके लिए आप दिया फिर मिला रहे हो और कैंची की तरह सुल्तान चला रहे हो। कभी पसा संभालते हो, कभी आंखें बचाते हो, कुछ मतलब है तो शादी दिए वरना पीना दिए। ये बच्चा समझ गया तेज खाता, इसलिए क्षत्रिय भी चलाता हूँ। क्यों बच्चे से नाहक लड़ाई करो, ब्राह्मण हो उस तो सवाई करो। महाराज ये कहने से मेरे नरम हो गया, परंतु आपको भी नाहक भ्रम हो गया। ये कत्ता खुद मौत की युक्त है, तो लक्ष्मण की रही तेरी मौत तेरे सरपंचगी। वो देखो मुझे आंखें दिख रहा है, शरारत से अपनी बात नहीं आ रहा। कहने से मेरे नरम हो गए, परंतु आपको भी कोई भ्रम हो गया। खूब इसी का नाम मिलती है बातों बातों में आ रहा और मेरी नकल कर गिरा रहा है। सामने से चलाता कच्चा ही चला जाऊंगा, तू मुझे इधर नहीं दिखाई दे वरना तेरी पूरी दुर्गति बना दूंगा। तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं नजर नहीं आऊंगा। तू मुझे मत दिखाई दे, तेरी भलाई इसी में है, तेरी बात भी मुझे न सुनाई दे। इसका इलाज तो बिल्कुल आसान है, कानून में उंगलियां दे लो, चलो बेस्ट सुनसान है। तू बड़ा जी भी है अनोखा बात है, वरना मेरे हाथ में तीर है। अरे बुद्धवान अब तू इतना बोल ले लगा, मेरी इज्जत मिट्टी में बोल ले लगा। आप बताइए मेरे लिए क्या क्या है? क्या वास्तव में यह धनुष आपने तोड़ा है? जी हाँ,
ये धनुष मेरे हाथों ही टूटा है। मुझे संदेह है आपका संदेह जिस प्रकार भी पूरा हो सके आप बता दीजिए। दीजिए धनुष, इसका चिल्ला चला के कमान कीजिए और मेरा मैदान